गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 7 में लेसन 2 का अध्ययन कराएंगे। लेसन 2 का नाम है प्रेरक प्रसंग। प्रेरक प्रसंग फिर देखिए दिया है आपका, रेडी पेन से देखो, राइट है अनमोल मिट्टी। अनमोल मिट्टी देखिएगा, एक बार एक विदेशी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने आया। राष्ट्रपति के सचिव ने कहा, वे अभी पूजा कर रहे हैं, उनसे मिलने के लिए थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। वह विदेशी राजेंद्र प्रसाद के मित्र थे, उन्होंने किसी काम से दिल्ली से बाहर जाना था, इसीलिए जल्दी मुलाकात कर लेना चाहते थे। उन्होंने सचिव को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पूछ कर आने का अनुरोध किया। उन सज्जन का परिचय पाकर राजेंद्र प्रसाद बाबू ने उन्हें आनंद से अंदर लाने की अनुमति दे दी। वह विदेशी महानुभाव उनके पूजा कक्ष में ही पहुँचे। उन्होंने देखा कि राजेंद्र बाबू ने पूजा के उपकरणों में मिट्टी की एक डली रखी है, जिसके चारों ओर कलावा लिपटा हुआ है था। उन्हें इसका प्रयोजन समझ में ना आया। आखिर बड़े संकोच के साथ उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा, आप तो शिक्षित हैं और इतने ऊंचे पद पर आसीन हैं, फिर इस नाचीज मिट्टी को यहाँ अपने सामने क्यों रखते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इसका मोल क्या है, इसका यहाँ क्या काम। राजेंद्र बाबू गंभीर मुद्रा में बोले, यह मिट्टी हमारे भारत की है, ईश्वर की नियामत है। आप इससे कितनी ही चीज़ें बना लेते हैं, लेकिन मिट्टी को आप बना नहीं सकते, या तो ईश्वर की बनाई हुई है। वह विदेशी जिसे नाचीज समझ रहा था, वह कितनी अनमोल थी। अब उसे पता चला, उसका सिर शर्म से झुक गया। उसका मन राजेंद्र बाबू की महानता और प्रशंसा से भर उठा। फिर देखिए है आनंद का मूल्य क्या है, आनंद का मूल्य। फिर देखिए है पैराग्राफ्स। उन दिनों स्वामी रामतीर्थ अमेरिका में थे। अपने देवांत संबंधी प्रवचनों से उन्होंने अमेरिका वासियों का मन मुग्ध कर लिया था। एक दिन स्वामी जी के पास एक स्त्री आई, वह दुखी दिखाई देती थी। उसने स्वामी रामतीर्थ से कहा, स्वामी जी मैं बहुत दुखी हूँ, जब से मेरा एकमात्र पुत्र इस संसार से बीमारी के कारण चल बसा, मेरा मन नहीं लगता, मैं काफ़ी हताश हो गई हूँ, आप कृपा करके मुझे कोई उपाय बताइए, क्या मुझे अभी आनंद मिलेगा। स्वामी तीर्थ ने कहा, बहन राम आनंद अवश्य बेचता है, पर उसका मूल्य अदा करना पड़ता है, आनंद मुक्त में नहीं मिलता। इस पर अमेरिकी महिला ने कहा, स्वामी जी मैं इस आनंद की प्राप्ति हेतु कोई भी मूल्य चुकाने को तैयार हूँ। बहन आनंद के साम्राज्य में ये सिक्के नहीं चलते, मुझे तो राम की दुनिया में चलने वाले सिक्कों में उसका मूल्य अदा करना होगा, बोलो तैयार हो। महिला ने व्याकुल होकर कहा, आप जो चाहते चाहें मैं देने को तैयार हूँ, आप कहिए तो सही। यह सुनकर स्वामी रामतीर्थ एक अनाथ हस्बी बच्चे को अपने पास लाए और उस महिला को सौंपते हुए कहा, अच्छा यह लो अपना पुत्र। इस अनाथ बच्चे को अपना बच्चा समझ
कर पालना। यह बात सुनकर महिला बोली, स्वामी जी यह काम तो बड़ा कठिन है, मुझसे कैसे होगा? स्वामी रामतीर्थ ने कहा, तो फिर मुझे सच्चा आनंद मिलना भी कठिन है। अंत में महिला ने बच्चा स्वीकार कर लिया। वह उसका पुत्रवत पालन पोषण करने लगी। थोड़े दिनों बाद वह वापस रामतीर्थ के पास आई और बोली, स्वामी जी अब मैं वास्तव में खुशी हूँ, आनंद भी अनुभूति लेती हूँ, निर्धन व अनाथों की सेवा में भी ही सच्चा आनंद है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।